गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, स्वीकार करें। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की बहुत बहुत बधाई। ये जीत का ऐसा पर्व, आध्यात्मिक विश्वास का ऐसा पर्व, हमें आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला ऐसा पर्व, जिसको हम स्मरण मात्र से रोमांचित हो जाते हैं। दोस्तों, जब भी कोई हमारे त्योहार आते हैं, उनका हिस्टोरिकली तो महत्व है, धर्म के हिसाब से महत्व है, पर उनका स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे ऐसे कोई भी होली होती है, नवरात्रि होती है, ग्रहण होता है, दिवाली होती है, शिवरात्रि होती है, ऐसे होलिका के ऊपर भी तिथि, नक्षत्र, योग, करण ऐसी स्थिति में होते हैं कि पूरा विश्व रोमांचित हो उठता है। सब देवता इस दिन इस सच्चाई को नमन करते हैं। और जब हम थोड़ा सा भी भगवान के चरणों में बैठते हैं तो उसका कई गुना लाभ मिलता है। आप होली के बारे में जानते हैं, प्रहलाद की बुआ जी थी होलिका, उनके पिता थे हिरण्यकश्यप, बहुत पहले आध्यात्मिक थे, पर ऐसा भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया उन्होंने। देखें कैसी सच्चाई है, जब आदमी के पास थोड़ी सी सिद्धि आ जाती है, थोड़ा सा भक्ति की कृपा हो जाती है, थोड़ा सा ईश्वर के करीब हो जाता है, और उसको कोई भी सत्ता मिलती है, कहीं कंपनी में सीईओ बन गया, मंत्री बन गया, असेंबली मेंबर बन गया, कोई और सत्ता हासिल हो गई, तो उसमें ईगो आने लगती है। तो नाशकों को इतनी ईगो आ गई कि उसने भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं मरूं ही नहीं, ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना सुबह को मरूं, ना शाम को मरूं, ना दिन अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, और मुझे कोई देवता भी नहीं मार पाए, मुझे कोई इंसान भी नहीं मार पाए। जैसे उसको पता चल गया कि मुझे मरना नहीं है, तो उसने अत्याचार शुरू कर दिया, उसने लोगों को कहलाना शुरू कर दिया कि मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। तो प्रहलाद उनका बेटा था, शुरू से ही बहुत स्पिरिचुअल था। वो किसी कुम्हार के घर गया, वहां उसने देखा कि बिल्ली के बच्चे हैं, वो जीवित रहे अग्नि में जाने के कारण भी। उसने कुम्हार से पूछा कि ऐसा क्यों, बोले भगवान ने इसकी रक्षा की। बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, धीरे धीरे उसके पिता तक बात पहुंच गई। पिता ने बहुत समझाया कि तू नहीं मान भगवान को, पर वो नहीं माना। भगवान ने उसको और प्रेरणा दी और भक्ति में चला गया, क्योंकि जो भी नेगेटिव है उसको नीचे जाना ही है, कुछ भी हो जाए। तो उसको मरवाने की कोशिश की, पहले एक पोल को बहुत गर्म किया गया, आग जलाई गई, फिर बोला तू हग कर इसको। तो बच्चा था, डर गया, बोले कैसे करे। तो भगवान ने कहते चींटी का रूप धारण किया, और चींटी को देख के उसको भी लगा मुझे क्या होगा। फिर उनकी फिर और भी बहुत सी कोशिशें की गई, प्रहलाद जीवित रहे। उसके पश्चात बहुत ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी की गई, होलिका जिनके नाम पे होली पड़ी है, होलिका को वरदान प्राप्त था, भगवान का दिया हुआ वस्त्र था कि वस्त्र ओढ़ लेती थी, अग्नि का असर नहीं होता था उस पे। तो ऐसे ही उसने वो वस्त्र ओढ़ा, प्रहलाद को बिठा लिया, तो भगवान की कृपा से वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया, होलिका जल गई। तब से ही होलिका दहन किया जाता है, होलिका को जलाया जाता है।
पर बात दोस्तों इसमें दूसरी है। इस दिन जो भी शक्ति क्रिया के साधक हैं, जो भी ध्यान योगी हैं, हमें जो हमारे अंतर में होलिका है उसको जलाना है आज। उसको जला करके बिल्कुल दफन कर देना है। हमारे अंदर द्वेष है, हमारे अंदर बुराई है, हम निंदा चुगली सुनते हैं, निंदा चुगली करते हैं, लोगों को डाउन करने का प्रयास करते हैं। इससे हमारी एनर्जी में, हमारे कर्म में बहुत फर्क पड़ता है। हम अपना जो कार्मिक अकाउंट है नेगेटिव वाला, उसको भरते जाते हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट बढ़ाते हैं, फिर उसका बैलेंस खराब हो जाता है। तो आज के दिन जो सबसे बड़ा संदेश है होली का, कि आज खुशियां मनाएं होली के ऊपर, और प्रण करें कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की नहीं सुननी है। हम सात्विक आहार खाते हैं, वेजिटेरियन भोजन करते हैं, वेजिटेरियन खाना खाते हैं। आज तो मेडिकल साइंस ने भी कह दिया कि वेजिटेरियन खाना जो है नॉन वेज खाने से अच्छा है। लोग तो इसके ऊपर भी हैं कि वीगन हो रहे हैं, उससे हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी अच्छी हो रही है। पर दोस्तों एक और बात कर लें, हम खाना तो सात्विक खा रहे हैं, हम सुने भी सात्विक, हम बोले भी सात्विक, हम विचार भी सात्विक करें, हम सोचें भी सात्विक, तो हमारा जीवन चेंज हो जाएगा। आप जो एक घंटा मेडिटेशन में बैठते हो, आधा घंटा बैठते हो, आप 24/7 वाले हो जाओगे। जैसे आप खाना खाते हो, किसी को भी पता है कि आप वेजिटेरियन हो, तो आपकी रिस्पेक्ट के कारण कोई भी नॉन वेज खाना आपके सामने नहीं लाएगा। और इसी तरह दोस्तों हम टेबल पे बैठे हैं, एक बंदा कोई किसी की बुराई शुरू करता है तो बोल दे नहीं मैं तो वेजिटेरियन हूं, सात्विक सुनूंगा, सात्विक बोलूंगा। हम सात्विक पिए, सात्विक खाएं, सात्विक बोलें, सात्विक करें, तो फिर आप किसी को बोलोगे ना भाई तू भी मंत्र जाप किया कर, तू भी मेडिटेशन किया कर, वो आपकी बात को सुनेगा कि चर ये बंदा तो हमारे से अलग है, दूसरों से अलग है ये बंदा। थोड़ी मुश्किल बात है, मजा बहुत आता है जब कोई बात करते हैं ना, सुनने में भी आता है। तो ऐसे मेरे भी कई शिष्या हैं, वो कर्ण रस प्रिय हैं, तो आप जब किसी को हाथ जोड़ देंगे, छोड़ो क्यों ये बात करना है ना, छोड़ दो क्यों बात करना, जैसे आप जैसे जैसे छोड़ने लगोगे आपकी एनर्जी, आपका हार्ट चक्र, आपका नाभि चक्र, आपका थ्रोट चक्र की शक्ति ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी। जैसे जो शक्ति आपकी बढ़ने लगेगी, ये मेडिटेशन करने से इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी ऐसा सोचने से बढ़ेगी। क्योंकि मेडिटेशन से तो आप जब बैठते हो तो आप शांत हो जाते हो, आपका चक्र भी जागृत हो जाते हैं, जैसे ही उठते हो तैसे ही आपको लगता कि आज क्या हुआ, आज किसने क्या किया, कैसे करें, फिर हम भूल जाते हैं। ये मुझे पता है, एक साल से ज्यादा वक्त हो गया हम कोविड के भय के कारण ग्रस्त हैं, हम अच्छी तरह सत्संग भी नहीं कर पाते, हम अच्छे फंक्शन भी नहीं कर पाते, अच्छी तरह मेल मिलाप भी नहीं होता। इस वजह से भी जब हम कभी मिलते हैं तो वो बातें ज्यादा होती हैं, क्योंकि बहुत बातें जमा हो गई। और आप देखें कि अगर आप हीलर हो, आप स्पिरिचुअल हो, तो कोई भी आपका बंधु सखा दोस्त मित्र कभी बीमार है, जब आप उसको हील से ठीक करते हो तो उसकी बात दूसरी हो जाती है। तो आज होलिका के दिन प्रण करें, सात्विक खाएंगे, सात्विक बोलेंगे, सात्विक पिएंगे, तो आपके 7 चक्रा जागृत हो जाएंगे। और मैं आप सबसे होली के दिन ये गिफ्ट मांगता हूं, कितने लोग मुझे गिफ्ट देते हो, कितना प्यार करते हो, ये वक्त बताएगा। मेरे पास 10-20 गिफ्ट भी आ गए तो मान लू मैं सब सक्सेस हो गया, मैं सफल हो गया। दूसरों को डाउन करने की जो स्थिति है हमारे चक्रा को डाउन कर जाती है, हमें डाउन कर जाती है। एक किसी ने सवाल पूछा है कि ध्यान कितना करना चाहिए, ध्यान के क्या फायदे हैं, कितना करना चाहिए। मैं बता देता हूं फायदे, फिर कभी बता दूंगा, पर फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। जिस चीज का कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे हैं, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए।
ध्यान दोस्तों कम से कम एक घंटा रोज तो करना चाहिए जैसे, पर ध्यान के बाद आप ध्यान योगी हो, आप योगिनी हो, आप सात्विक आत्मा हो, आप पुण्य आत्मा हो, क्योंकि आपके ऊपर बड़ी कृपा है जो आप ध्यान में बैठ रहे हो। आपको वो परमात्मा ईश्वर गुरुदेव स्पेशल प्यार कर रहे हैं कि आपको उन्होंने चुना, आपका चुनाव किया, आप ध्यान में आ गए। ये कम बात नहीं है। आपको एक प्यास जग गई, ये प्यास जगना जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है, उसकी कृपा की बात है। सच्ची प्यास नहीं जगती है दोस्तों, जिसमें सच्ची प्यास जगती है, पर फिर वो उसकी प्यास वो भगवान पूरी करता है। ये सच्ची प्यास जग जाए उस प्रभु को पाने की, उस परमात्मा को पाने की, उस गुरु को पाने की, तो उस जैसा कोई आनंद नहीं है। तो जिस दिन प्यास जग जाती है ना, तो फिर वक्त नहीं देखता वो बंदा। वो सुबह भी कहता मैं ध्यान करूं, शाम को भी कहता ध्यान करूं, रात को भी ध्यान करूं, और फिर उसको ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 24/7 उसका ध्यान ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आप सुबह एक घंटा करें और शाम को रात को सोने से पहले करें और दिन में ध्यान में ही रहने की कोशिश करें। आपसे किसी का दिल ना दुखे, आपसे किसी का मन ना दुखे, आपसे कोई आहत ना हो, आप क्रोध से बचें, आपको क्रोध ना आए। क्योंकि मैं भी आपको कहता हूं बेटा क्रोध मत करो, क्रोध को शांत करो, पर मुझे भी कभी कभी क्रोध आता है। बहुत कोशिश किया कि कम हो जाए, बहुत कम हुआ, और जिस दिन पूरा कम हो जाएगा मैं बोलूंगा मेरा क्रोध खत्म हो गया। क्रोध विनाश करता है सब स्थिति का, क्रोध नष्ट कर देता है आपकी जितनी की हुई भक्ति होती है, जितनी की हुई सेवा होती है। जैसे गुरुदेव कहते थे आपके मन से भक्ति हो, मन से आपके इष्ट के साथ प्यार हो, मन से उसके साथ इश्क हो, और वाणी में भी फिर वो ही दिखे, स्वीटनेस दिखे वाणी में, वाणी ऐसी कि किसी को नुकसान नहीं करे, किसी को किसी का भला करे, किसी को बल दे, किसी को शक्ति दे। मन वचन कर्म, और कर्म भी ऐसे हो, कोई आप कहीं फ्लाइट में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कोई माताजी कोई बुजुर्ग खड़े हैं, वो बेचारे अपना सामान नहीं उठा रहे, तो आप चोट चाट के उनके सामान को उनकी हेल्प करने लगे, ये है मेडिटेशन। आप कभी लाइन में खड़े हो, कोई प्रेग्नेंट औरत खड़ी है, माँ खड़ी है, कोई प्रेग्नेंट बहन खड़ी है, तो आप उसको कहें आप आगे चले जाओ बहन, मैं जहां आ जाता हूँ अपनी अपनी लाइन दे दें उसको, ये भक्ति है, ये मेडिटेशन है। कहीं आपको लगता है सच में जो भूखा व्यक्ति है, तो आप अपना खाना भी उसको दे दें, ये भक्ति है। आप कोई किसी के घर में गए हो, किसी आश्रम में गए हो, बिना बताए सेवा करने लगे, बिना बताए देखें कि इस घर में तो जो माँ बीमार है, बहन बीमार है, मेरी फ्रेंड बीमार है, तो मैं इसका जो सोई हुई है मैं उसकी खबर लेने आई हूँ। लोग समाचार पूछने जाते हैं, पूछ के आए कि जी बीमार है, उसका क्या हाल है, दो घंटे बैठ के बाहर गप्पे मारते रहेंगे, उसके घर में कोई लॉन्ड्री करने वाली है, कोई सफाई करने वाली है, कोई किचन का काम करने वाला, वो नहीं करेंगे, और फिर उसको पूछेंगे बताओ कोई काम है, तो भक्ति नहीं है। भक्ति है उसकी एब्सेंट में सब कुछ कर दो, भगवान देख रहा है ना। किसी को डर है कि मेरा भगवान कहीं भगवान ना देख रहा हो, मैं गलत कर रहा हूं, किसी को खुशी है कि भगवान देख रहा है, हूं अच्छा कर रहा हूं, तो भगवान अच्छे को भी देखते हैं, तभी आप मेडिटेशन वाले व्यक्ति हो। हमने चक्रा की बात करते रहे हैं, और आज्ञा चक्रा हमारा जो है जो पूर्ण पूर्ण है, जहां से सब कुछ चलता है। प्रहलाद का जो चक्रा जागृत था, और आज भी प्रहलाद जी के नाम पे ध्रुव तारा जो सबसे अमर है, सबसे आसमां के ऊपर उसकी जगह है, क्योंकि वो ऐसा ही सितारा हुआ है, जब उनको याद करते हैं तो फिर लगता है ध्यान में, योग में, साधना में जाना चाहिए। और दुनियादारी में भी होली मनाएं, दुनियादारी में भी खुशी खुशी मनानी चाहिए। जो प्रतीक है हम रंग डालते हैं,
तो प्रतीक है कि नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपको प्यार करते हैं, हम इकट्ठे हैं, हम एक हैं। तो आपको फिर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम विरेचन क्रिया करेंगे, क्योंकि विरेचन क्रिया की बार बार जरूरत पड़ती है। कभी कभी हम मन से वाणी से नहीं बोलते हैं, कर्म भी बुरा नहीं करते हैं, पर कभी फीलिंग बुरी आ जाती है, कभी मन में भावना बुरी आ जाती है, तो उसको दूर भी करना है, वो भी आनी नहीं चाहिए। जिस दिन आप अपने दुश्मन को भी प्यार करने लगेंगे, जिस दिन आप अपने शत्रु को भी क्या भी अच्छा सोचने लगेंगे, आप समझ लो कि आप ध्यान योगी हो गए। और भगवान उस दिन स्पेशल आपका अच्छा सोचने लगेंगे, माता रानी स्पेशल अच्छा सोचने लगेगी। और एक बात, आज होली की रात जितनी साधना कर सकते हो करो, जितने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हो करो, उतना ही आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, उतना ही नकारात्मक को कैंसिल करने की शक्ति बढ़ेगी, पॉजिटिव शक्ति बढ़ेगी। तभी वम रूम का शब्द का जाप करेंगे, वम रूम 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 रोम वम 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 रोम रोम वम 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 रोम रूम वम 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 रूम। स्लोली स्लोली मन में मंत्र का जाप करें, आज्ञा चक्र पे ध्यान करें। अपने आज्ञा चक्र को आज्ञा दें कि आपको मन से, बॉडी से, सोल से, अपनी शक्ति से क्लीन करें, भगवान की रेजस से, यूनिवर्स की ऊर्जा से, ब्रह्मांड की ऊर्जा से। आपका पहला चक्रा क्लीन हो उसके ऊपर रेजिश देने की कोशिश करें। मूलाधार चक्रा, पहला चक्रा भगवान गणेश जी की शक्ति का चक्रा, ऐसे ही द्वितीय चक्र, दूसरा चक्र, नाभि चक्र, तीसरा चक्र, उसको क्लीन करें। ऐसे हृदय चक्र को, आप महसूस करते होंगे जैसे आप अपने आज्ञा चक्र से रेजिज भेजते हो, तो कभी कभी चक्र ऐसे घूमते हैं, जैसे चक्र घूमते हैं उनसे अलग अलग कलर की किरणें निकलती हैं, अलग 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 तरह की रोशनी निकलती है। और जितना क्लीन चक्र होता है जल्दी फील हो रहा है, घूम रहा है, वो जैसे किसी चक्रा पे गंदगी पड़ी हो, जैसे कोई चक्रा जाम हो जाता है, ऐसे धीरे से चलता है, मुश्किल से चलता है। पर जब आप इस दुनिया में प्रवेश करते हैं
आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं, इसका आपका अपना ही आनंद है। आप बाहर को प्रेम करते हो, बाहरी जगत को, पर रियल जगत आपका अंतर हो जाता है। ऐसे हृदय चक्र से कंठ चक्र को कंठ चक्र से आज्ञा चक्र को होल बॉडी को क्लीन करना है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। जैसे दोस्तों प्रहलाद बच गए, भगवान को बहुत क्रोध आया, भगवान का वचन था कि तुम्हें ना कोई देवता मारेगा ना इंसान मारेगा, तो भगवान ने नर सिंह का रूप धारण किया। उसका शरीर, उसकी बॉडी ऊपर की इंसान की और नीचे का जो हिस्सा है बॉडी का शेर का, सिंह का, इसीलिए उनको नरसिंह कहा जाने लगा। और वक्त भी ऐसा था, ना सुबह थी ना शाम थी, ना दिन था ना रात था, रात्रि का जैसे प्रवेश होने वाला होता है, रात्रि की शुरुआत शाम की अंत, ऐसी घड़ी में नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप राक्षस का वध किया। तब से भगवान का वचन है, भगवान शंकर जी का, शक्ति का, कि जो भी इस दिन नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं, तो उनको सिद्धि मिलती है, शक्ति मिलती है नकारात्मक से लड़ने की। जब कोई मंत्र तंत्र सफल नहीं होते हैं, तब आज भी नरसिंह भगवान की साधना की जाती है, उसमें सफलता मिलती है। आपने विरेचन क्रिया कर ली, क्लीन कर लिया अपने आप को। एक बात को दोस्तों ध्यान में लाना है कि आपको कभी कभी दुविधा हो जाती है कि मैं भक्ति में जाऊं या मैं दुनियादारी में जाऊं। इस शक्ति क्रिया ध्यान, शक्ति क्रिया मेडिटेशन आपको बहुत सालों से ऐसी स्थिति कह रहा हूं। एक नारद मुनि जी वाली एग्जाम्पल बहुत टाइम दिया है आपको कि आपको 100% लाइफ दुनियादारी की जीनी है। 100% आप अपने बच्चों को प्यार करें, माता पिता की सेवा करें, अच्छे घर में रहें, अच्छे सुख साधन प्राप्त करें, धर्म की सेवा करें, गरीब की सेवा करें, जो भी आप कर सकते हो दूसरों के लिए करें, जो भी कर सकते हो। आप देखेंगे जब जब आप दूसरों के लिए करने लगोगे, तब तब आपकी भक्ति का आनंद बढ़ना लगेगा। जैसे आप दुनियादारी 100% जी रहे हो, ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन भी 100% जीना है, उसमें भी 100%, इसमें भी 100%। जैसे आप पूर्ण जीवन सुखों का जीते हो, ऐसे ही पूर्ण जीवन आपने भक्ति का जीना है। दुनियावी रूप से भी इतनी मेहनत करनी है, इतनी श्रम करनी है कि आप एग्जाम्पल बन जाएं, और भक्ति में भी ऐसी स्थिति को ले जाना है कि आप एग्जाम्पल बन जाएं, और इससे आपके दोनों जीवन सफल हो जाएंगे। अगर आप पूर्ण रूप से सुखों को भोग लोगे, आप सुखों का त्याग कर पाओगे, क्योंकि जो आपके पास होगा उसी का त्याग करोगे। और पूरन और मजे की बात है कि अगर पूरन भौतिक सुख भी लेने हैं ना, उसके लिए भी साधना बहुत जरूरी है, उसके लिए भी भक्ति बहुत जरूरी है। बिना साधना से, बिना गुरु कृपा के, बिना भक्ति के जो सुख साधन भी मिलते हैं, लोभ से, धोखे से, लालच से, दूसरों को डाउन करके, दूसरों का बुरा करके, वो आपको जीने नहीं देते। वो ऐसी ऐसी बीमारियां लेके आते हैं, आपको लगता है मैंने उसको मूर्ख बना दिया, पर उसमें आप मूर्ख बन जाते हैं। वो ऐसी ऐसी बीमारियां लेकर के आते हैं, आप कभी भी सुखों को एंजॉय नहीं कर पाते। किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, आप सुखों को एंजॉय नहीं कर पाते।
ईमानदारी से आध्यात्मिकता का सुख, भक्ति का सुख सभी को प्राप्त करना है, और 100% लाइफ आध्यात्मिक लाइफ, 100% आपकी भौतिक लाइफ, दोनों को जीना है आपको पूरा पूरा। ये शक्ति क्रिया ध्यान का एम है आपके लिए, सभी के लिए। गहरी सांस लें, सांस अंदर लें, धीरे धीरे बाहर निकालें। फिर गहरी सांस लें, फिर बाहर निकालें। फिर गहरी सांस अंदर लें, फिर बाहर छोड़ें। ऐसे पूरा पूरा ध्यान सांस के ऊपर केंद्रित करें। श्वास को, प्राण को, सांस को साक्षी भाव से देखने का प्रयास करें। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, पूरा ध्यान सांस के ऊपर। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर। आप
और श्वास आप और सांस एक हो जाएं, सांस ही सांस आपको नजर आए, ऐसी स्थिति आ जाए तो बहुत बड़ी कृपा। अपने आप को याद करें कि मैं उस राजर्षेश्वरी का, माँ भगवती का बेटा हूँ, मैं शिव शक्ति का बच्चा हूँ, शिव शक्ति की बेटी हूँ, मैं उस ब्रह्मांड का एक छोटा सा सितारा हूँ, मैं यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट हूँ, मेरी शक्ति जिससे मैं चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, बहुत बड़ी परम शक्ति है। आप देखें, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, उसकी शक्ति से सब कुछ चल रहा है, पर हमें हैबिट हो गई है, हमें नहीं लगता विद्युत की शक्ति से चल रहा है, लगता है ऐसे ही चल रहा है, जैसे ही कभी सिस्टम ऑफ होता है तब याद आता है कि कितनी बड़ी पावर है। तो हम जो हमारे साथ पावर है, हमारे साथ शक्ति है, जब दोस्तों हम ध्यान करते हैं, वो शक्ति, वो रेजिज प्योरीफाई हो जाती हैं, सभी बैटरी रिचार्ज हो जाती हैं, उसके पश्चात फिर जो संकल्प होता है वो पूरा होता है। कहते हैं इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। मन में इच्छा पैदा होना, मन में प्यास पैदा होना, मन में विचार पैदा होना, मन में ज्ञान पैदा होना, ये इच्छा शक्ति है। ये जब जब हम प्योरीफाई होते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सेवा करते हैं, कभी संगत के जूते साफ करते हैं, संगत के बर्तन साफ करते हैं, संगत को खाना खिलाते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, पेशेंट की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, तो तब हम अरे मन में अच्छी शुभ इच्छा शक्ति पैदा होती है। जैसे इच्छा पैदा हुई तो फिर उसके लिए ज्ञान भगवान देते हैं, वो माँ सरस्वती हमें ज्ञान देती है कि शिक्षा को पूरा कैसे करना है। फिर क्रिया शक्ति, ज्ञान हासिल हो गया तो प्रैक्टिकल रूप से कैसे लाना। जो ध्यान योगी हैं, साधक हैं,
उनकी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति बहुत फास्ट काम करती है। वो जब आपके संकल्प पूरे नहीं होते, पाप स्वयं के दुश्मन हो। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते रखते चलते हो तो आप बहुत बड़े क्रिएटिव बन जाते हो। जहां भी आप जाएंगी जाओगे, आपकी ओरा, आपकी रेजेज, आपका वहां पे प्रेजेंट होना पूरे माहौल को चेंज कर देगा। कितना भी दुखद माहौल होगा, पॉजिटिव स्थिति आ जाएगी। पर अंतर से आपको स्वयं को चेंज करना है, स्वयं को तब्दील करना है। ऑटोमेटिकली आपकी कितनी बीमारियों की हील होने लगेगी। कभी कभी आप अपनी बीमारी को, अपनी पेन को डॉक्टर को भी नहीं कह पाते हो, पर जब आप ध्यान करते हो तो अपनी फीलिंग उस जगह ले जाएं जहां आपको प्रॉब्लम है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने लगी है। अपने इष्ट का ध्यान करें, प्राउड करें कि जिसका मैं ध्यान कर रहा हूं मैं उसका बेटा हूं, उसकी बेटी हूं। मन ही मन इष्ट की पूजा करें, मानसिक शक्ति से इमेजिन कर, कल्पना कर, उनको अच्छे से अच्छे फूल चढ़ाएं, अच्छे से अच्छे वस्त्र दें, अच्छे से अच्छे आभूषण दें। अपने माता जी का, अपने इष्ट का आशीर्वाद लें, उनके चरणों में अपना सिर रख दें, उनसे अपनी कथा व्यथा कहें। जो चाहते हैं वो मांग लें, उसकी कल्पना करें कि माँ ने कृपा कर दी आपके ऊपर, आपको दे दिया वो सब कुछ। हे माँ, भक्ति देना, शक्ति देना माँ, अपने चरणों में लगाना महारानी, कृपा करना माँ, कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना माँ, सदा साथ रहना माँ, सदा साथ रहना, अपने इस बच्चे को अपने चरणों में रखना माँ। जो आपका संकल्प है पूर्ण हो गया, मां ने कृपा कर दी, मन ही मन शुक्रिया करें शिव शक्ति का, भगवान शंकर का, मां भगवती का, भगवान नरसिंह भगवान जी का भी, उनके नरसिंह स्वरूप का भी शुक्रिया करें। आज उनका दिन है, ऐसे उनका ध्यान करते करते, उनका शुक्रिया करते करते
सभी का थैंक्स करें, सभी का शुक्रिया करें जो आपकी लाइफ में हैं, जिनके कारण आप हंसते हो, जिनके कारण आपको नई जिंदगी मिली है, जो आपके जीवन का इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। थैंक्स करते 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 अपने माता जी का, पिताजी का, गुरु जी का थैंक्स करें और मयूर पंख मुद्रा करें। धीरे धीरे कैंसिल करें, आंख खोलें। गुरु ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सबके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। माँ सब पे बहुत बहुत कृपा करे, आपके संकल्प पूरे हों, आपके गोल पूरे हों, आप माँ के चरणों में, भगवान के चरणों में और अच्छी तरह लगें, आप साधना में सक्सेस हो। जय माता दी।